नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी वाई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में। आपको बता दें कि 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को लगातार डाउट्स चल रहे हैं। कुछ एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, कुछ एग्जाम आगे रिशेड्यूल किए गए हैं। आप लोगों की 10वीं 12वीं और 11वीं की डेट शीट्स के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में। प्राइवेट जो वाले जो बच्चे हैं इनके एग्जाम 11th 10th 12th वाले, आप लोगों के कन्फ्यूजन प्रॉपर तरीके से क्लियर करने वाले हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी वाई 06 के नाम से फॉलो नहीं किया है जल्दी से फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। सिंपल वे से आप लोगों को डेट शीट्स, रिजल्ट और तमाम जानकारी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 11th क्लास के रीवेल का रिजल्ट जो है आप लोगों को बता दी इसी हफ्ते में आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस हैं, क्योंकि 30 से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बाकी आप लोगों को बता दें कि 10वीं 12वीं और 11वीं वाले बच्चों को हम प्रॉपर तरीके से समझाएं, आप लोग ध्यान से समझिए। इसका हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया है, तमाम बच्चों को प्रोवाइड करवाई है हमने डेट शीट भी। इंस्टाग्राम पेज फॉलो करने के लिए वन टाइम एंट्री ₹30 पेमेंट करना पड़ता है। एक बार आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आप लोगों को 2 साल 3 साल कोई भी पेमेंट वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड फॉर्म वगैरह लगते हैं उसकी जानकारी मिलती मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ और भी आप लोगों को क्रिशियल जानकारी हमारे इंस्टाग्राम पेज में देखने को मिलती है। काफ़ी क्रिशियल पेज है, ₹30 आपको पेमेंट करवाना कहीं से भी करवाओ। ये आप लोगों को बता दें कि अलर्ट 10th 12th और 12th वाले प्राइवेट्स वाले बच्चे 10th प्राइवेट के एग्ज़ाम 14 सितंबर से शुरू हुए हैं। टाइम 12 बजे है, पहले टाइम इन्होंने 1 बजे रखा था, फिर उन्होंने बाद नोटिफिकेशन निकाल के 12 बजे टाइम कर दिया। ठीक है जी, बोर्ड वालों का ही मिस्टेक है। 24 सितंबर वाला पेपर नहीं हुआ था, 24 सितंबर वाला पेपर अब 13 अक्टूबर को होगा। जे ध्यान से सुनिएगा, डेट शीट पर देखना है कि 24 सितंबर को कौन कौन से पेपर था, कौन कौन से सब्जेक्ट का। बहुत सारे सब्जेक्ट का पेपर 13 अक्टूबर को कंडक्ट होगा, ये ध्यान से सुनिए। 10th वाले 1 अक्टूबर को होने वाला पेपर नहीं होगा, 1 अक्टूबर वाला पेपर 19 अक्टूबर को होगा 10th क्लास का। ठीक है, 4 अक्टूबर को होने वाला पेपर 7 अक्टूबर को होगा 10th क्लास का, ये ध्यान से सुनिएगा। 10th के 3 पेपर रीशेड्यूल हुए हैं, बाकी पेपर एज पर डेट शीट ही कंडक्ट होंगे, ये तमाम बच्चों को बता दें। ठीक है, जिसके पास डेट शीट नहीं है वह इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डेट शीट ले सकता है या वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 11th प्राइवेट के एग्ज़ाम भी 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं, टाइम 12 बजे है। 1 अक्टूबर को होने वाला पेपर नहीं होगा, 1 अक्टूबर वाला 17 अक्टूबर को होगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद 8 अक्टूबर वाला पेपर 21 अक्टूबर को होगा, बाकी एज पर डेट शीट ही होंगे। 11th के 2 पेपर ही चेंज हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 12th क्लास की बात करें तो 12th प्राइवेट के एग्ज़ाम 13 सितंबर से शुरू हुए हैं, टाइम 12 बजे हैं। 3 अक्टूबर वाला पेपर नहीं होगा, 3 अक्टूबर वाला अब 12 अक्टूबर को कंडक्ट होगा, ये तमाम बच्चों को बता दें। 3 अक्टूबर को जो भी पेपर होने वाला था 12th क्लास का वो नहीं होगा, वो अब 12 अक्टूबर को होगा, बाकी पेपर एज पर डेट शीट ही होंगे। डेट शीट चाहिए तो DME 10th के 3, 11th के 2 और 12th के 1 पेपर रीशेड्यूल हुआ है, विदाउट एंट्री वाले ब्लॉक कर दिए जाएंगे इंस्टाग्राम पेज से। एंट्री का मतलब होता है एक टाइम आपको पेमेंट करनी पड़ती है ₹30। ठीक है जी, आप लोगों को हमने जेके बोस की पूरी जानकारी दे दी है। कोई भी डाउट्स क्यूरीज होगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से बच्चों को जानकारी प्रोवाइड करवाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।